आपका गला काटे और आपको उफ ना करने दें, ना आपको करने दें, ना आपके बिहाफ पे या आपकी मदद करने किसी को आने दें। यही तो मनुवादियों की सबसे बड़ी ताकत है। यही काम हो रहा है गोल्डन दास जी के साथ और यही काम सब लोगों के साथ होता है। आप पत्रकारों को क्यों मारती है पुलिस? क्योंकि आप आवाज़ उठाने का काम कर रहे हो। जो दूसरे बड़े बड़े सो कॉल्ड फ्रॉड पत्रकार अपने आप को बताते हैं, उनको पुलिस देख के सल्यूट क्यों करती है और आपको मारती क्यों है? आपके ऊपर अत्याचार क्यों करती है? क्योंकि आप पत्रकार हो, वो दलाल है। ये है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी है और गोल्डन दास जी जैसे लोग जो हैं वो इसको ठीक करेंगे। और ये मैं अपील नहीं, मैं निवेदन, गुजारिश और एक तरीके से गुहार लगा रहा हूँ अपने सारे नेताओं से, जो सड़क पे आंदोलन करके ऊपर गए वो इस केस को एक टेस्ट केस बना के लड़ें, क्योंकि बिहार में भी उतने ही अत्याचार हो रहे हैं जितने उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, जितने दूसरे गुजरात में हो रहे हैं, उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के साथ। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। जो मुस्लिम समाज है उसके साथ भी उतने ही अत्याचार बिहार में भी हो रहा है। पुलिस दास को पुलिस अपराधी बतला रही है, क्या कहेंगे? वो पुलिस अपराधी है, मैंने अभी आपको बताया ना, सेक्शन भी बताया। ये वो कानूनी काम कर रहे हैं एस सी एस टी एक्ट के तहत। अगर वो उस बच्ची के लिए आंदोलन कर रहे थे तो ये एस सी एस टी एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। इनको सरकारी काम करते हुए एक तरीके से एस सी एस टी एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी एज सोशल वर्कर, एज एन एन जी ओ निभाते हुए अगर उनके कार्य में कोई बाधा डाल रहा है तो अपराधी वो पुलिस के अधिकारी हैं, ये नहीं है। अपराधी वो हैं जो इनको अपना काम करने नहीं दे रहे, अपराधी वो हैं जो इनको उस बच्ची के और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलवाने से के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, उसमें पुलिस अधिकारी सबसे ऊपर अपराधी। करना भी अपराध है क्या आप देश में? आंदोलन करना, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी नज़रों में आंदोलन जो है अपराध है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़रों में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की नज़रों में, भारत के संविधान की नज़रों में आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो संविधानिक ड्यूटी है हर एक नागरिक की। संविधानिक ड्यूटी यानी कि संविधानिक एक तरीके से दायित्व है हर एक नागरिक का, जो नहीं करता वो अपराध करता है, संविधान के साथ पूरी वफादारी नहीं रखता। ये दलित बेटे की आवाज़ उठा रहे थे, ये अपराध कर रहे थे बोल रहे ये तो सबसे बड़ा अपराध है ना मनुवादियों की नज़र में, बाबा साहब के दुश्मनों की, संविधान के दुश्मनों की नज़र में सबसे बड़ा अपराध तो यही है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको, उनकी आवाज़ ना उठाई जाए। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बनते जी आ रही हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बना हुआ है एस सी एस टी एक्ट उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। अभी रिजर्वेशन की जजमेंट तो आई है, ये सब क्या है? ये एस सी एस टी के जो लोग हैं, जो थोड़ा सा कुछ सांस लेने की मोहलत, सिर्फ सांस लेने की मोहलत जो बाबा साहब ने दिलवाई है संविधान के जरिए, वो उनका गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय की भी गलत हैं, उसका उसकी हम एक तरीके से उसकी एक क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। गोल्डन दास जी माफी मांग रहे हैं पुलिस पे, ये जो काम कराया है ना ये भी एस सी एस टी एक्ट का अपराध है, इसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा। जो उनसे माफ़ी ज़बरदस्ती मंगवाई जा रही है, ये एक तरीके से अपहरण करके जो काम करते हैं ना, किसी को ज़बरदस्ती मारपीट के काम कराए जाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अपराध गोल्डन दास जी से तो माफ़ी मंगवा ली, किस चीज़ की ये और बता दीजिए मुझे आप, किस चीज़ की? क्या उन्होंने किया था? क्या गलती हुआ वो बता रहे हैं? वो क्या गलती किया हमने? गलती नहीं बता रहे और गलती हुआ है। लेकिन बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, बढ़िया सरकार बताई जाती है, वो तो है। तो गलती नहीं बता रहे और माफी मांग रहे हैं, वो गलती तो नहीं बता पा रहा ना उनकी कोई, तो वो खुद भी अपनी गलती। यही तो एक बड़ा सुशासन का माना जाता है, एक कहावत है मैं आपको बता दूं, एक जंगल में से ना एक भैंस पकड़ने के लिए एक किसी ने प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू किया, तो हाथी जो है बहुत तेज़ी से भागे जा रहा था, तो उससे पूछा लोगों ने कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो? तो भैंस पकड़ने के लिए हो रहा है कि, वो बोले जो ये सुशासन चल रहा है ना इस समय, मुझे अपने आप को हाथी साबित करने के लिए और ये बात साबित करने के लिए कि मैं भैंस नहीं हूँ, कम से कम 25 साल लग जाएंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ये काम बिहार पुलिस कर रही है, ये सरासर अपराध है, अन्याय है। और ये नहीं मैं कह रहा कि ये गोल्डन दास जी के साथ अपराध है, ये जनरली अपराध है कि किसी से भी आरोपी से प्रेस के सामने ले जाके उसका प्रदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है।
तो ये अपराध तो पुलिस खुलेआम कर रही है। इस वजह से बोल देता पुलिस कौन होती है, पुष्टि हुई या नहीं होने बताने वाली, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ये अपराध है और इस अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना जो गोल्डन दास जी कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, एक्ट ने लगाई है। पुलिस की ताकत नहीं है ये बताने की कि रेप है या नहीं है, ये अदालत का काम होता है। पुलिस का काम होता है अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करना अदालत में, जो पुलिस ये बताती है वो अपराधी है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, सीधे सीधे मैं इस बात को बोल रहा हूँ। इसी दौरान कोलकाता में रेप होता है तो देश के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जब दलित बेटी का रेप होता है तो कोई नहीं बोलता है, तो क्या पीड़िता कहीं भी जाती होती है? हम लोगों को सबको जो अपने आप को बहुजन समाज का बोलते हैं शर्म से सर झुका लेना चाहिए। हमारी बच्चियों के साथ रोज हो रहा है और ये जंतर मंतर खाली है, हमें अपने सबको शर्म से सर झुका लेना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सब लोगों को एक साथ माफी मांगनी चाहिए अपने समाज की बच्चियों से। कोलकाता की बेटी को बेटी मान रहे हैं बहुजन समाज के लोग, कल कोलकाता की बेटी को भी बेटी मानते हैं भारत की, और हमारी सब बच्चियों को भी बच्ची मानते हैं। ये उनमें और हम में फर्क है, वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की बच्चियों को देश की या अपनी बच्ची नहीं मानते, यही तो फर्क है। हम सबको मानते हैं, हर एक महिला के प्रताड़ना के खिलाफ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग पूरी ताकत से खड़े रहते हैं, लेकिन जो शर्म की बात है अपनी बच्चियों के लिए सड़क पे नहीं आते। निर्भया कांड में भी सबसे ज्यादा हमारे लोग थे, आज जो ये कोलकाता की बच्ची के साथ हुआ है उसमें भी सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमारे लोग कर रहे हैं। अपनी बच्चियों के लिए कब आएंगे ये मेरा सवाल है उनसे। यहाँ पे हाथरस की बच्ची के साथ आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या किसी को पता है? बहुजन समाज के नेता को उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, आज तक उसे घर नहीं दिया गया, आज तक उसे नौकरी नहीं दी गई उसके परिवार वालों को, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक नहीं दी गई। योगी सरकार उसमें लाखों करोड़ रुपए अपने वकीलों पे खर्च कर रही है, किस लिए? कि कुछ लाख का मकान ना दे दिया जाए उसे। ये हो रहा है हाथरस की बच्ची के साथ, जो ये दिल्ली कैंट की जब जो बच्ची है 9 साल की बच्ची, उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी उसके सुरक्षा विड्रॉ कर ली, उसके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिल रही, उनकी जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा विड्रॉ करने की बात की जा रही है। उसी प्रकार से ये हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो हम कब सड़क पे आएंगे? अपनी बच्चियों के लिए भी, अपनी बच्चियों के लिए भी हम कब सड़क पे आएंगे? एससी एसटी और ओबीसी के लोग, ये महत्वपूर्ण बात है। पुलिस की जिम्मेदारी तो एक आम नागरिक से भी ज्यादा है ना, संविधान की रक्षा करने की और संविधानिक भाषा का प्रयोग करने के लिए। वो कार्य क्या कर रहे हैं? उनको सामने लाके प्रदर्शन करा रहे हैं, उनका उनसे अपने अपराध की वो करा रहे हैं, उनसे कन्फेशन करा रहे हैं पब्लिकली, ये कितना बड़ा अपराध है। गोल्डन दास पर भाषण देने का आरोप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं कह तो रहा हूँ पुलिस को गिरफ्तार होना चाहिए, जो पुलिस के अधिकारी उनका वीडियो या उनको प्रेस में प्रदर्शित कर रहे हैं उनको सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो मुझे वकील करेंगे तब मैं बताऊंगा क्या एक्शन लिया जाएगा, मैं इन सबको जेल भिजवाने का काम करूँ। हाँ, अगर ये हालात रहे हमारे नेता और हमारे बाकी सब जो अग्रणीय लोग हैं, अगर वो एक साथ मिलके एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो यही होगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?